ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी सदा स्वस्थ और निरोगी रहें। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो जरूर सुन लीजिएगा। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास माहात्म्य का 23वां अध्याय। और हर बार की तरह आपसे आज भी एक अनुरोध है कि अगर आप सावन महीने के बाद में हमारे इस चैनल पर भागवत कथा भी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्री वाल्मीकि मुनि से पुरुषोत्तम मास में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में और फिर पुरुषोत्तम मास के नियमों के बारे में या पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए इस बारे में जानने के बाद राजा दृढ़धनवा ने फिर से पूछा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दिनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है सो आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि कहने लगे, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगिणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की पत्नी 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वो जानता ही नहीं था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर धरती में गिरकर दंडवत प्रणाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की और भक्ति से उन्हें आसन देकर मुनि के सामने ही हाथ जोड़कर बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहने लगा। राजा बोला, हे मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा घर सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मेरे घर में पधारे हैं, आपसे देखा गया मैं ताप पुंजश से मुक्त हो गया हूँ। मुनिवर, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य मैंने समर्पित किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को तो थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान हो जाया करता है। जो कौड़ी के बराबर शाक या फिर उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल होता है, ऐसा वेदों को जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु आदि ऋषियों ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है मुनिवर, तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे राजन, तुम इस समय धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं, उसके राज्य में वास नहीं करना। सुनसान जंगल में रहना अच्छा है, लेकिन अवैष्णव के राज्य में रहना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन पत्नी, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय माना गया है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी अर्थात एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है,
वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंदनीय है। जो श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राज्य हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा भी हमेशा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज तो मेरी वाणी भी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से ये राज्य तुमको ही करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पत्नी ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि कहने लगे, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि से विनय पूर्वक शिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर कहा, हे मुनिवर, ये विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंटक राज्य कैसे हुआ और मेरी ये पत्नी इतनी पतिव्रता कैसे हुई? मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था? हे मुनिवर, ये सब आप मुझे बताइए, मैं तो आपकी शरण में आया हुआ हूँ। हे मुनीश्वर, अब आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब कुछ जानने वाले हैं, तो मुझे सारा वृतांत बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त एकाग्रचित्त होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि कहने लगे, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है, इतिहास के सहित अब उस प्राचीन चरित्र को कहता हूँ, सुनो। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दुष्चरित्र वाले, दूसरे की पत्नी को हरण करने वाले, कृतघ्न दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हो गए। और तुम्हारी ये जो पत्नी है, यही अपने पूर्व जन्म में भी स्त्री थी, ये कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी, पतिव्रता महाभागा धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया, पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया था और क्रोधित होकर राजा ने सारा उत्तम धन भी तुमसे ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ भी अवशेष धन तुम्हारे पास था, उसको तुम्हारी ही जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की बहुत इच्छा हुई, किंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता स्त्री ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे राजन, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर तुमने अपनी आत्मा की रक्षा की। इस प्रकार अपनी पत्नी के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सांप और मृग से भरे हुए तुम वन को गए। उस मनुष्य रहित वन के बीच मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए, अर्थात रास्ता भटक जाने से व्याकुल हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ ले जाकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखी ब्राह्मण की तुम दोनों पति पत्नी ने सच्चे मन से सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे, अर्थात जब उन्हें होश आया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया और उस घने जंगल के बीच से मुझे यहाँ लेकर कौन आया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि ये सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके आप फलाहार कीजिए और इस सुंदर शीतल जल का भी पान कीजिए। इस समय तो मैंने आपकी रक्षा की है, अब आप सुख से विश्राम कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त मुनि बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण
श्रम रहित सावधान होकर मणिग्रीव का वचन सुनकर भूख प्यास से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वटवृक्ष से शोभित तालाब के किनारे पर जाकर तुम बैठ गए। वट की छाया में बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल का पान करके उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र ही वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से बड़े विनम्रता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए ही आप मेरे आश्रम में आए हैं। आपके दर्शन से तो आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव अपनी पत्नी से बोला, हे सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन आम्र फलों को तुम जल्दी से लेकर आओ, देर मत करो। हे शुभानने, और जो कुछ भी कंद आदि हो उन्हें भी लेकर आओ। इस प्रकार पत्नी अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंद आदि लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने लाकर रख देती है। अब मणिग्रीव ने फिर से मुनिश्रेष्ठ से बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मुझे बताओ। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि कभी भी अपरिचित का भोजन ग्रहण ना करे। सुनकर मणिग्रीव बोला, हे मुनिवर, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का अपने परिवारजनों से, अपनी जाति वालों से, अपने बंधु बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न हुए उग्रदेव ने फलों को खाया, उसके बाद जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर से मधुर वचनों में बोला। मणिग्रीव कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में आप कहाँ से आए? तब उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण मैं इस भयंकर वन में चलाया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मैं मरणासन्न हो गया था। उसके बाद तो तुमने मुझे प्राण दिए हैं। हे मणिग्रीव, बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों पति पत्नी ने किस दुख के कारण इस वन में आश्रय लिया हुआ है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी पत्नी के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फलस्वरूप वृतांत को कहा। मणिग्रीव ने जो कुछ भी कहा भक्तजनों, उसका वृतांत अब आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आज की कथा कैसी लगी? हो सके तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।